शहर थाना अंतर्गत दो झोलाझाप डॉक्टरों पर सीएम फ्लाइंग व सीआईडी की साझा छापेमारी के दौरान डॉक्टरों के समर्थक ने टीम पर हमला कर दिया और डॉक्टरों को छुड़ा ले गए। हमला होते देख पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। समर्थकों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया और पुलिस जिप्सी तोड़ दी। विभाग की टीम ने दोनों क्लिनिकों से कुछ दवाइयों के सैंपल भर लिए। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर जेपी प्रसाद ने बताया कि सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्तचर विभाग से कुछ जानकारी जुटाई और स्वास्थ्य विभाग के साथ झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिकों पर छापेमारी शुरू कर दी। हथीन गेट चौक स्थित राधे व मंगलमय नाम दो क्लिनिक हैं। सुबह करीब 10 बजे सबसे पहले राधे क्लिनिक पर छापेमारी शुरू ही की थी कि वहाँ क्लिनिक संचालक लखपत राणा के समर्थक पहुँच गए और टीम पर हमला कर दिया। हमला होते देख पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराना चाहा, लेकिन उन्होंने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। टीम ने हथीन गेट चौक स्थित राधे क्लिनिक व मंगलमय क्लिनिक पर छापेमारी की। यहां से कुछ दवाइयों के सैंपल, कागजात व डॉक्टरों की डिग्री कब्जे में ले ली है। फर्जी पाए जाने पर विभाग की तरफ से सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं मौके पर पहुंचे शहर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार ने कहा कि पुलिस पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हमलावरों की पहचान करने के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही सभी हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा। देखिए, आज सवेरे 9 बजे हमें सिविल सर्जन महोदय ने आदेश दिया, तीन डॉक्टरों का टीम बनाकर, कि सीएम फ्लाइंग आई है, इसके साथ आप लोग जाओ। सीएम फ्लाइंग टीम हम लोगों को लेकर पहले मंगलम क्लिनिक पे आई और वहाँ मौके पर डॉक्टर मंगल मिले और उन्होंने अपने जो ओरिजिनल डॉक्टर हैं उनको बुला लिया। उसके बाद ड्रग एक्ट के अंदर कार्रवाई की गई है और इसके बारे में डिटेल अपने डीसीओ साहब बताएंगे। दूसरा क्लिनिक एट द टाइम राधे क्लिनिक है, इसमें भी सीएम ब्लाइंड टीम ने कार्रवाई किया। मौके से वो लड़ झगड़ कर कुछ आदमियों को बुला लिया, गुंडा तत्वों को, और पुलिस टीम की पिटाई करते हुए गाड़ी के शीशे तोड़कर भाग गया। इसमें जो सीएम फ्लाइंग आ रखी थी, जो झोलाछाप डॉक्टर पे वो कर रही थी, उनकी कार्रवाई कर रही थी, तो उस दौरान जो एक डॉक्टर है लखपत, उस डॉक्टर को उसके जो समर्थक थे, उसके साथ के थे, उन लोगों ने उसे छुड़ा लिया और पुलिस की गाड़ी पे हमला कर दिया। उसका शीशे वगैरह तोड़ दी और इसमें हमारे 2-3 जवानों की चोट आई है। सीएम जो सीआईडी की जो टीम आ रखी थी उनमें से कईयों को चोट आई है, तो इसमें हम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और जो झोला छाप डॉक्टर का मुकदमा है वो अलग से दर्ज कर रहे हैं। इसमें अभी तक करीब 10 बंदे आइडेंटिफाई तो हो चुके हैं, अभी इंटरव्यू पूछताछ चल रही है।